नमस्कार बागवान भाइयों, आज आए हैं कोटखाई में संजय सर के ऑर्चर्ड में। तो इन्होंने नए कॉन्सेप्ट में जो ये पेड़ तैयार किया है, ये बताएंगे कि किस तरह से ये तैयार किया है और कितनी एज इस पेड़ की है। इसकी एज है लगभग 6 से 7 साल है। तो मतलब कैसे आपको पता लगा कि इसकी मतलब ऐसी कटिंग करनी है? इस तरह से क्या ये है आपका जो आजकल चली है फेसबुक में भी, आपकी सोशल मीडिया में काफ़ी चलता है, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। कुछ एक हमने बेंडिंग की है इसमें ताकि आपका जो है फ्लो जो है आपका बैक को बढ़ने तक आए, ताकि आपका जो है बीमार डेवलप हो इसमें। प्लस ये तो आपका जो है मिस्टर आपके जल्टार के एक मिस्टर प्रेम चौहान है, उनका कॉन्सेप्ट है ये। जितना आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से लेकर मतलब, अच्छा इसमें मतलब इधर ही बीमा बनाना, ये टोटल आपका जो है जितना आपका स्टेम के साथ आपका जितना बीमा क्लोज रहेगा उतना आपका जो है साइज में जो है आपका सही मतलब आपका साइज अचीव होगा। अच्छा इसमें जैसे मान लो एक ब्रांच तो आपने यही कर दी है क्लोज, ठीक है, इसमें आपका साइज बड़ी आएगा। तो ये जो ब्रांच आपकी लंबी है ये इसमें लंबी इसलिए रखी है ताकि इसमें जो है थोड़ा आपका जो है बीमा भी फटेगा, बीमा जब फटेगा तो आगे से क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए क्लोज हो जाएगा। तो कितना इसमें अभी समर कटिंग भी होगी। अच्छा अच्छा, जो आपका ये बेंडिंग दी है, बेंडिंग इसलिए दी है ताकि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें जो आपका न्यूट्रिशन जो पार्ट है इसमें आपके जो बीमा डेवलप होएगा, बीमा डेवलप होगा साथ में ग्रोथ भी जाएगी, तो वहीं से हम जो है इसको क्लोज कर लेंगे। एक एक साल में आपका एकदम, क्योंकि काफ़ी मोटा था ये, इस वजह से इसमें मैंने डच कट भी नहीं लगाया, तो इस वजह से मैं कहा चलो इसको पहले जो है थोड़ा बीमा डेवलप कर लेते हैं। तो आप इसमें जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप नज़दीक जितना नज़दीक लगा सकते हो, पर इतना नज़दीक भी नहीं लगाना है ताकि जिससे आपका जो है काफ़ी डेंस हो जाए। कम से कम सनलाइट प्रॉपर पड़नी चाहिए पेड़ पे, पेड़ का जो कैनोपी है उसमें प्रॉपर।